नमस्कार, मैं विजय खौसे WH न्यूज की जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। खबर देखने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। आज की खबर के प्रायोजक है एस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर वाड़ी। मुंबई से आई एक महिला निकली पॉजिटिव, धवलामेटी के पुरुषोत्तम नगर के दो रास्ते किए सील। कोरोना संक्रमण से अब तक वाड़ी धवलामेटी क्षेत्र मुक्त रहा। अब तक कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आने से क्षेत्र शांत रहा, लेकिन शनिवार को मुंबई से 13 लोग धवलामेटी आए, जिसमें से 38 वर्षीय एक महिला पॉजिटिव आने से धवलामेटी के वार्ड क्रमांक 2 पुरुषोत्तम नगर के दो रास्ते को सील कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धवलामेटी पुरुषोत्तम नगर का एक परिवार मुंबई दहिसर में निवास करता था। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण परिवार ने गांव में भाई के घर आने का निर्णय लिया, जिसमें से एक 38 वर्षीय महिला की कोरोना टेस्ट की गई थी। उसे 14 दिन होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था। होम क्वारंटाइन न करते परिवार के 12 लोग मुंबई दहिसर से शुक्रवार को निकले व शनिवार को सुबह 11 बजे धवलामेटी पुरुषोत्तम नगर पहुंचे। दोपहर 2 बजे के दौरान उन्हें मुंबई से फोन आया व 38 वर्षीय महिला पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। मुंबई से एक परिवार आने का पता चलते ही लोगों ने ग्राम पंचायत को सूचना दी। आशा वर्कर पंचायत के लोग उनके निवास पहुंचे व वाठोड़ा स्थित क्वारंटाइन केंद्र पर 11 लोगों को भेज दिया। वही 38 वर्षीय महिला का उपचार चल रहा है। इसे गंभीरता से लेकर PI राजेंद्र पाठक, तहसीलदार मोहन टिकले, BDO किरण कोवे, पंचायत समिति सदस्य सुधीर करंजीकर, ग्राम विस्तार अधिकारी विष्णु पोटभरे, उप सरपंच गजानन रामेकर, पूर्व सरपंच संजय कपनीचोर ने शनिवार को रात 8 बजे पुरुषोत्तम नगर को भेंट दी। रविवार को दो रास्ते सील कर देने की जानकारी ग्राम विकास अधिकारी विष्णु पोटभरे ने दी। धवलामेटी पुरुषोत्तम नगर में मुंबई से आने वाले लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकने से, किसी के भी संपर्क में नहीं आने से संक्रमण का धोखा टल गया। परिवार के लोगों ने भी अपनी समझदारी खुद लेकर क्वारंटाइन हुए व 38 वर्षीय महिला भी खुद होकर अस्पताल में भर्ती होने से संक्रमण से धवलामेटी बच गई। पॉजिटिव 38 वर्षीय महिला स्वस्थ है। उन्होंने WS को बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुंबई में छोटे से घर में सुविधा नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे भाई के घर धवलामेटी कोविड से बचने के लिए आए, लेकिन मुझे ही कोविड का शिकार होना पड़ा। मैं खुद होकर अस्पताल में गई, लेकिन मुझे यहाँ का पता नहीं होने से मुझे परेशानी हुई। अब मैं उपचार ले रही हूँ, ठीक हूँ। मेरा पूरा परिवार क्वारंटाइन किया गया। WH ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद।